वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच 5 बजे। एंड बात करें भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे चलते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो टॉटनहम हॉटस्पर तो देखो रैंकिंग के अंदर अगर देखा जाए तो वेस्ट हैम से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब वेस्ट हैम इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वेस्ट हैम इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वेस्ट हैम यूनाइटेड ने पिछला मैच बहुत बहुत तगड़ा जीता था, जबकि हॉटस्पर बहुत बहुत लिमिटेशंस में खेल रही है। अगले पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि ये टीम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। मैंने देखा है कि हॉटस्पर जो 2021-2022 में थी ना, वो चीज़ इनमें अब नहीं रही, ये तो मैं अब जानता हूँ। एक टाइम पे ये सबकी फेवरेट टीम हुआ करती थी, मतलब कितने गोल करती थी ये टीम, लेकिन आज हॉटस्पर का होना इज़ लाइक नॉर्मल टीम। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग दोनों का ड्रॉ चांसेस है, अगर एक एक गोल भी दोनों करते हैं तो ड्रॉ होगा, और अगर कोई टीम 2-1 से लीड ले गई फिर दूसरी टीम के लिए दूसरा गोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब इनका ध्यान सिर्फ होना चाहिए डिफेंड करने पे, सामने वाली टीम को गोल ना करने देना, सेकंड थिंग गोल्स करना, एक या दो, ज़्यादा गोल तो होने से रहे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑपोजिशन टीम, पहले वेस्ट हैम की, क्योंकि मेरे लिए वो ऑपोजिशन इसलिए क्योंकि मैं हॉटस्पर का साथ दे रहा हूँ, तो बॉबन को लेंगे। एंड टोनी ने प्रीवियस मैच में गोल किया था, वो शायद मैच ऐड नहीं हुआ, और फलक्रक सुनने में आ रहा है इंजर्ड है अभी फलक्रक का ना, पता नहीं, इसलिए अभी आप बॉबन को लीजिए। एंटोनियो तो देखिए बेकार है मेरे हिसाब से, मुझे इसलिए बेकार लगता है क्योंकि एंटोनियो पहले 2021 में ये बंदा भी बहुत अमेजिंग था वेस्ट हैम का, उसके बाद फ्लॉप होता चला गया, फिर इसको एक इंजरी आ गई, इंजरी के बीच में ये 6-7 महीने इंजर्ड रहा, उसके बाद जब ये आया तो वो चीज़ इसमें रही ही नहीं, ये बिल्कुल सच है। इसलिए मैं एचमिन सन को लूँगा ऑपोजिशन टीम का प्लेयर जो कि ग्रेट है। उसके बाद डी सोलंके जो पहले खेला करता था प्रीमियर लीग की अनदर टीम में, और वर्नर का भी अगर बात करें तो ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, लेकिन सोलंके और एचमिन सन मिल के इस गेम को संभाल सकते हैं। मिडफील्डिंग की बात करें देन ब्रैनन जॉनसन, ये लड़का भाई साहब एक लीडिंग स्टार है टीम का, लगातार अच्छे पॉइंट्स देना, गोल करना इसका पेशा है। और मेडिसन की बात करें तो मेडिसन को लेंगे, डी कुलुसवेस्की को नहीं ले पाऊंगा, दुर्भाग्यवश इतने प्लेयर कैसे लूं भाई, 5 प्लेयर तो ले ही नहीं सकते। कल देखा ना बेवकूफ़ों ने एम लियोनार्डो के चक्कर में 2-2 डिफेंडर ले लिए थे। मैं कैब अपनी वीडियो में मैंने क्लियर कहा था कि गोल भी आ जाए तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट करके जाओगे, और वही हुआ, मेरी टीम में लियोनार्डो नहीं था, मेरे सामने ओपोनेंट लेकर आए थे, वो शुरू में मेरे से आगे निकल गए, 30-40 पॉइंट आगे निकल गए, झूठ नहीं बोल रहा, फिर जब लगी क्लीन शीट तो बच गई भाई उनकी, क्योंकि ये गलतियाँ सुधारनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद इसलिए मैं डी एक प्लेयर पे रिस्क जरूर लेता हूँ, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, भले ये गोल करे मेरे नज़र में कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके साथ जाऊँगा टी सोसेक, कई लोग सोच रहे होंगे ये मोहम्मद कुडूस क्यों नहीं ले रहा, अरे भाई पूरे सीज़न में एक गोल अभी तक आया है, पिछले सीज़न में 1-2 गोल आए, तो क्या फ़ायदा यार, मैं तो एल पे क्यूता और सोसेक के साथ ही जाऊंगा। और बात करें डिफेंडिंग की, सी रोमेरो पी पोरो, क्या डिफेंडिंग है यार, मज़ा आ जाता है नाम लेके। और एम एन की बात करें, मैं थर्ड डिफेंडर लेता नहीं हूँ, लेकिन नीचे से कोई भी इनकी टक्कर का प्लेयर ही नहीं है इसलिए। और गोलकीपिंग की बात करें, ए एरियोला के साथ जा रहा हूँ, अगर एरियोला ना खेला तो फिर खेलेगा लुकास, और दोनों एक्सपीरियंस हैं। बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा एचमिन सन, वाइस कप्तान है जे मेडिसन, सो दिस इज़ माय टीम। अगर आप चाहो सेफ जाने के लिए इस कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि रिवर्स करोगे तो और टीम सेफ हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।